25 दिसंबर यानी क्रिसमस प्रभु मसीह का जन्मदिन। इस दिन की खुशी और इस दिन का उत्साह शहर के स्कूलों में देखने को मिल रहा है। शहर के मिशनरी स्कूल में क्रिसमस समारोह का आयोजन किया जा रहा है। क्रिसमस के उत्साह और उमंग से भरे कार्यक्रम का आयोजन सेंट पॉल चर्च स्कूल में भी किया गया। स्कूल के ऑडिटोरियम में आयोजित शानदार क्रिसमस समारोह में बच्चों ने बेहतरीन प्रस्तुतियां पेश की। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में आर्च बिशप पीपी हाविल, श्रीमती मर्सी हाविल, स्कूल के प्रिंसिपल विवेक डैनियल, क्वीन विक्टोरिया गर्ल्स कॉलेज की प्रिंसिपल जे डैनियल, सेंट जॉर्जेस यूनिट फर्स्ट के प्रिंसिपल अक्षय जरमाया, जेएस जरमाया, मिसेस जरमाया और सेंट जॉर्जेस यूनिट टू के प्रिंसिपल आशीष कटिंग उपस्थित रहे। अतिथियों का स्वागत स्कूल की हेड बॉय और हेड गर्ल ने बुके देकर किया। उसके बाद प्रारंभ हुआ क्रिसमस समारोह। कार्यक्रम की शुरुआत पेयर के साथ हुई जिसमें ग्रुप में छात्र छात्राओं ने ईश्वर को याद कर सभी के कल्याण के लिए प्रार्थना की। क्रिसमस के समारोह में उपस्थित मुख्य अतिथि डॉक्टर पीपी हाविल का कहना था कि क्रिसमस सभी को शांति और सद्भावना का संदेश देता है और इस खूबसूरत पर्व को सभी को मिलजुल कर मनाना चाहिए जिससे कि खुशियां सभी के बीच में बांटी जा सके। क्रिसमस का प्रोग्राम था, नेटिविटी प्ले का आयोजन किया गया था सेंट पॉल्स चर्च कॉलेज खंदारी रोड पर। बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा, बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, क्वायर वॉज एक्सलेंट, एंजल्स वर एक्सलेंट और जो हमारे चेयरमैन हैं उनने बहुत तारीफ करी और सब पेरेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया आने का, थैंक यू। मीडिया का भी बहुत बहुत शुक्रिया आने का, थैंक यू सो मच। पेयर के साथ प्रभु मसीह के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित विशेष कार्यक्रम में कैरल सिंगिंग भी खास थी। बच्चों ने सुंदर तरीके से कैरल सिंगिंग की और सभी के आकर्षण का केंद्र बने। कैरल सिंगिंग के साथ नेटिविटी प्ले भी सभी के आकर्षण का केंद्र रहा। नेटिविटी प्ले का आरंभ विल नामक कैरेक्टर की प्रस्तुति के साथ हुआ जिसमें बच्चों के द्वारा मैसेज दिया गया कि ईश्वर हमें वही देता है जो हमारे लिए बेहतर होता है। नेटिविटी प्ले में बच्चों ने प्रभु मसीह के जन्म की कथा और उनके द्वारा समाज के लिए किए गए कार्यों और उनके संदेशों को सभी के समक्ष बहुत ही बेहतरीन तरीके से पेश किया। प्रभु मसीह के जन्मदिन पर आधारित प्ले में बच्चों ने प्रभु मसीह के मानवता के संदेश को बखूबी दर्शकों के समक्ष रखा। इस अवसर पर उपस्थित स्कूल के प्रिंसिपल विवेक डैनियल का कहना था कि स्कूल में क्रिसमस को प्रत्येक वर्ष धूमधाम के साथ मनाया जाता है और बच्चों के माध्यम से सभी को प्रभु मसीह के संदेशों को दिया जाता है जिससे समाज में प्रेम और सद्भावना। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। दिस इज नेटिविटी। नेटिविटी का मतलब होता है जहाँ प्रभु यीशु पैदा हुए, उसका मतलब ये होता है। और दिस वॉज डन बाय आवर चिल्ड्रन। हमारे बच्चों ने अच्छी तरह से किया, बहुत खुशी हुई और बच्चे भी बहुत ज्यादा खुश थे, सब लोग खुश थे। थैंक यू वेरी मच। नेटिविटी प्ले में शुरुआत से लेकर अंत तक बच्चों ने बंधी हुई प्रस्तुति पेश की जिसमें बच्चों ने अपनी प्रतिभा का भी प्रदर्शन बखूबी किया। प्रभु मसीह के संदेश को मंच पर प्रदर्शित किया। इस अवसर पर उपस्थित क्यूवी गर्ल्स कॉलेज की प्रिंसिपल जे डैनियल और सेंट जॉर्जेस यूनिट टू के प्रिंसिपल आशीष कटिंग का कहना था कि यह प्रोग्राम बच्चों के साथ बड़ों के लिए भी खास होता है और क्रिसमस सभी के साथ मिलजुल कर मनाया जाने वाला त्योहार है और सभी के साथ खुशियां बांटने वाला पर्व है जिससे सभी के जीवन में खुशियां आ सके और समाज में प्रेम भाव को आगे बढ़ाया जा सके। क्रिसमस के उपलक्ष्य में था, बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट के बारे में बताया गया और यह बताया गया कि हमको सब बुराइयां छोड़ के भाईचारे से रहना चाहिए। क्रिसमस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बच्चों ने पूरे उत्साह के साथ अपना प्रस्तुति पेश की। इस अवसर पर शहर के प्रमुख स्कूलों के प्रिंसिपल्स के साथ अभिभावक भी उपस्थित रहे। अभिभावकों ने उपस्थित रहकर बच्चों का मनोबल बढ़ाया। कार्यक्रम के अंत में स्कूल के प्रिंसिपल विवेक डैनियल ने सभी का धन्यवाद देते हुए सभी को क्रिसमस की शुभकामनाएं।